आपको बता दें, राजधानी में बनेंगे रेलवे पुल और अंडर ब्रिज, अंडर पास भी बनेंगे राजधानी में, बन जाएंगे अब रेलवे पुल और अंडर पास के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे रेलवे पुल और अंडर पास, जाम से 12 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर रेलवे मंडल प्रशासन ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, क्रॉसिंग और रेलवे पुल पर 400 करोड़ से अधिक का खर्च है। पर आपको बता दें दिलकुशा क्रॉसिंग पर काम जनवरी से शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। राजधानी में बनेंगे रेलवे पुल और अंडरपास, 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे रेलवे पुल और अंडरपास, जिससे कि 12 लाख की जो आबादी है उसे जाम से राहत मिलेगी। और उत्तर रेलवे मंडल प्रशासन ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। क्रॉसिंग और रेलवे पुल पर 400 करोड़ से अधिक का खर्चा आने वाला है, जिससे कि काफ़ी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। और दिलकुशा क्रॉसिंग पर काम जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। और अधिक जानकारी लेंगे आशीष मिश्रा से। जी आशीष, जिस तरह से ये रेलवे ब्रिज और अंडरपास बनाए जाने की बात है, 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे रेलवे पुल और अंडरपास, जिसपे कि 400 करोड़ से अधिक का खर्च बताया जा रहा है, और जनवरी में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे लखनऊ में जो जाम की समस्या है वो भले ही कागजों में कुछ भी दिखाई जाती हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग ही तस्वीर बयां करती है। लखनऊ में जाम की समस्या काफी गंभीर समस्या है और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया हो चाहे तमाम और सारी जगहें हो, वहां पर तमाम सारे ट्वीट और तमाम सारे चीजें वायरल होती रहती हैं। और लखनऊ में जाम की समस्या काफी गंभीर है, इसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, 7 अंडर पास बनाने का फैसला लिया गया है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल भी बनाए जाएंगे और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। हालांकि जो जाम की समस्या है वो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि करीब 12 लाख जो यहाँ के लोग हैं उनको करीब इस अंडरपास के बनने से राहत मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें इस बड़े ऐलान में, ये ऐलान करने के बाद जो अंडरपास है उसका जो ब्लूप्रिंट रेलवे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें करीब 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा इस पुल के निर्माण होने में, करीब 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा आपको बता दें कहीं ना कहीं। लेकिन इन ये जो पुल है, इन पुल बनने के बाद से कहीं ना कहीं ये जो राजधानी के लोग हैं उनको जान से जो निजात मिल जाएगा। जी आशीष, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 400 करोड़ से अधिक का खर्च है और अधिक से अधिक जो 12 लाख की आबादी है वहां की, उसको ये अगर ये बन जाता है रेलवे क्रॉसिंग अंडर पास, तो इस जाम से उन्हें मुक्ति मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ आशीष मिश्रा। आपको बता दें 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे पुल राजधानी में, अब रेलवे पुल और अंडर पास का काम जल्द शुरू होगा। दिलकुशा क्रॉसिंग पर काम जनवरी से शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तर रेलवे मंडल प्रशासन ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है और इस रेलवे क्रॉसिंग पर 7 रेलवे पुल और अंडर पास बनने से 12 लाख की आबादी को राहत मिलने की खबर है।